अगर आपके भी जीभ में सूखापन रहता है, यानी कि आपके जो जीभ है वो बार बार सूख जाते हैं, तो इसके लिए आपको दवा की नहीं बल्कि शरीर को हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपने खान में बदलाव लाने की भी ज़रूरत है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीभ में जो ड्राइनेस होती है, यानी कि जो टंग होता है उसमें अगर ड्राइनेस रहती है, सूखापन रहता है, तो उसके क्या कारण होते हैं, एंड साथ ही उसे हम मेडिसिन के द्वारा नहीं बल्कि घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो घर पे हम खुद से अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, आज ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम इसके कारण को जानेंगे कि जो हमारा जीभ होता है उसमें सूखापन क्यों हो जाता है, उसमें ड्राइनेस क्यों रहती है। अगर जीभ बार बार सूखने लगे तो इससे काफ़ी परेशानी भी आती है, में परेशानी आती है, थोड़ा सा इरिटेशन सा भी होता है, एंड खाना को निगलने में भी परेशानी आती है, क्योंकि जो जीभ होता है इन सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है। तो बेसिकली ज़्यादातर करके जो जीभ का सूखापन है वो आपको डायबिटीज़ पेशेंट में देखने को मिलेगा, जिन्हें डायबिटीज़ मधुमेह की परेशानी होती है, बीमारी होती है जिनमें, उनमें ये प्रॉब्लम आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। दूसरा, वैसे लोग जो बहुत लंबे समय से किसी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होती है जिसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो आप उसका सेवन बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण आपकी जो जीभ है वो ड्राई रहने लगते हैं, सूखे सूखे रहने लगते हैं। या फिर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, शरीर में पानी की कमी हो जाए, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में भी आपके जो जीभ है वो ड्राई हो जाते हैं। यीस्ट का इन्फेक्शन हो जाए आपके जीभ पर, आपके माउथ में यीस्ट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके कारण भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को खराटे करने की आदत होती है, जब वो सोते हैं तो मुंह को खोल के सोते हैं और खराटे आते हैं, तो मुंह खोल के सोने की वजह से भी आपके जो जीभ है वो ड्राई हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे पर्सन जिनमें हैबिट्स होती हैं सिगरेट पीने की, तंबाकू गुटखा जैसे चीज़ों को खाने की, तो इन सारी चीज़ों का सेवन करने से भी आपके जो जीभ होते हैं, आपके जो मुंह होते हैं उसमें ड्राइनेस होती है, क्योंकि ये जो आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं या फिर टोबैको खाते हैं, तो इसके कारण आपके मुंह के अंदर जो वाटर होता है, जो नमी होती है, वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण आपका जो जीभ है वो सूखा सूखा रहने लगता है। तो चलिए अब हम इसे ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं उसे जान लेते हैं कि आप घर पर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे करके इसे ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो घरेलू उपाय में सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी वो है टंग स्क्रैपर। यस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इलाज कर रहे हैं, घरेलू चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो घरेलू चीज़ें भी जो है वो इतनी जल्दी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो टंग स्क्रैपर का मतलब है कि टंग क्लीन जिससे हम करते हैं, जिससे हम टंग को क्लीन करते हैं, तो आपको जो टंग स्क्रैपर है वो ऐसा टंग स्क्रैपर लेना है जो आपके टंग को बहुत ज़्यादा ड्राई ना करे, सॉफ्ट तरीके से आपके टंग को क्लीन करे, बहुत रगड़ के आपको अपने टंग को क्लीन नहीं करना है, क्योंकि हमारा टंग ऑलरेडी ड्राई हो रखा है और उस पर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के टंग को क्लीन करेंगे तो वो उसके लिए हार्मफुल होगा। समटाइम्स इंजरीज भी हो सकती हैं, आपकी जो जीभ है वो कट सकती है, क्योंकि उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सॉफ्ट टंग स्क्रैपर लेना है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो टंग स्क्रैपर आते हैं उस तरह के मुलायम आपको टंग स्क्रैपर लेना है, टंग क्लीनर लेना है, और उससे अपने जीभ को साफ करना है। दूसरी चीज़ जो है घरेलू उपाय के तौर पे मैं आपको बताऊंगी वो है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, इन द सेंस कि आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीनी है। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए जिससे आपके बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन हो, पानी की जो कमी हो रखी है वो पानी की कमी पूरा हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी कारण में बताया आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, तो डिहाइड्रेशन के कारण भी आपकी जो जीभ है सूखने लगते हैं, तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, तो इससे जो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप शुगर फ्री कैंडी या शुगर फ्री च्यूंगम्स भी ले सकते हैं। जो शुगर फ्री कैंडी और जो च्यूंगम्स होते हैं ये जब आप इसका सेवन करेंगे, जब आप इसको खाएंगे
तो चिंगम जब हम चबाते हैं या फिर जब कैंडी को चूसते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो सलाइवा जिससे लार का प्रोडक्शन होता है, तो कैंडी खाने की वजह से जो लार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी और आपके जीभ का जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगा, उसमें मॉइस्चर होने लगेंगे। नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। नारियल का तेल भी इसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो नारियल के तेल में एडिबल नारियल के तेल होते हैं, यानी कि खाने वाले नारियल के तेल, वो तेल नहीं जो हम बालों में लगाते हैं, जो खाने के लिए नारियल के तेल आते हैं, एडिबल तेल आते हैं, आपको ऑनलाइन या शॉप पे कहीं भी आसानी से मिल सकता है। तो आपको वो नारियल का तेल लेना है जो खाने के लिए आते हैं, एंड उसका 3 से 4 बूंद आपको जीभ पे डालकर अच्छे से मसाज करनी है और मसाज करके इसे छोड़ देना है। इससे आपके जो जीभ है उसमें नमी बनी रहेगी और जिससे आपका जो जीभ है वो ड्राई नहीं होगा। दूसरा है कि आप कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। तो ऑयल पुलिंग करने के लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आपको ऑयल पुलिंग करना है। 2 चम्मच नारियल का तेल आपको अपने मुंह में रखना है और उसे अच्छे से अपने मुंह में चारों तरफ घुमाना है, एंड देन 5-10 मिनट आप उसको अच्छे से अपने मुँह में चारों तरफ घुमाइए, फिर उसके बाद आपको निकाल देना है एंड देन आपको ब्रश करना है। तो इससे भी आपके जो मुंह के अंदर है या जीभ है उस पर मॉइस्चर बने रहेंगे और जीभ सूखने की परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा घरेलू उपाय है, वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर बहुत अच्छा होगा कि जो आपका एलोवेरा आपके घर पे प्लांट है, आप उससे जेल निकालिए एंड उस जेल का आप यूज़ करिए, तो वो होगी वो ज़्यादा फायदेमंद होगी। बहुत सारे लोग एलोवेरा जेल निकालते हैं एंड उन्हें समझ नहीं आता है कि जेल कैसे निकाला जाए और वो फायदे करने की जगह पे नुकसान करती है। तो एलोवेरा जेल निकालने का भी तरीका होता है, जब आप एलोवेरा की लीफ को कट करते हैं तो उसे आपको 5 से 10 मिनट के लिए किसी बर्तन में रख कर छोड़ दीजिए, उसमें से जो येलो येलो लिक्विड निकलती है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो 5-10 मिनट उसे काट कर छोड़ दीजिए, जब उसमें का येलो पोर्शन निकल जाए उसके बाद आपको चम्मच से अच्छे से नाइफ से कट करके और चम्मच से जेल को निकालना है, और वो जो जेल होती है आपको थोड़ा सा जेल लेकर अपनी जीभ पर अच्छे से मसाज करनी है और उसे आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए एज इट इज़ अपने जीभ पर, एंड देन आपको कूला कर लेना है। इससे भी आपके जो जीभ है उस पर मॉइस्चर बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी, जिससे आपके जीभ के जो सूखापन है उसमें परेशानी नहीं आएंगे। नेक्स्ट गाइस हनी, यानी कि जो शहद जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो शहद को आपको लेना है और अच्छे से जीभ पर मसाज करनी है। मसाज करके इसे आपको 10 से 15 मिनट के लिए अपने जीभ पर छोड़ देना है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। शहद से भी जो आपकी जीभ की नमी है वो बनी रहती है, मॉइस्चर को मेंटेन रखता है और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, तो अगर किसी भी तरह के यीस्ट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके माउथ के अंदर है तो उसे भी ये खत्म कर देता है। अगर सूजन है, इन्फ्लामेशन हो रखी है तो उसे भी ये कम करता है। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर गार्गल। तो आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना है, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे केसेस में यीस्ट या फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण भी जीभ का सूखापन होने लगता है, तो आप जैसे हनी का यूज कर रहे हैं या फिर आप उस गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल कर रहे हैं, तो अगर फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन है, तो उसे ये खत्म करने में हेल्प करती है। जो नमक होती है इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसमें इसके कारण काफ़ी हेल्पफुल होता है और जो जीभ का सूखापन है उसमें आपको राहत मिलती है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि कुछ घरेलू उपाय हैं जिसे हम करके इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गाइस कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको दवा नहीं बल्कि अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपने खान पान में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो खान पान में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, तो हमें वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे हमारे हेल्थ के लिए, जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं। जैसे कि बाहर के जो पैक्ड फूड होते हैं आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, फ्राइड फूड, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना बाहर का खाइए और ना घर पर खाइए, आप सिंपल सा सादा खाना, हेल्दी खाना खाइए। साथ ही साथ आपको चाय या कॉफ़ी का भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो होती है ये ऑलरेडी आपके जो माउथ होती है उसको ड्राई कर देती है एंड जो आपके सलाइबा है, जो लार का प्रोडक्शन है, उसे अच्छे से होने नहीं देती है। तो आपको चाय और कॉफ़ी का सेवन कम्प्लीटली बंद कर देना है। अगर आप में हैबिट्स हैं तंबाकू, गुटखा या अल्कोहल कंज्यूम करने की, तो आप अपने हैबिट्स को भी कंट्रोल करिए, उसे भी बंद करिए। इसके कारण भी आपके जो जीभ का सूखापन है
वो ठीक नहीं होने देता है अगर आप घरेलू उपाय को कर रहे हैं और साथ ही अपने बैड हैबिट्स को भी आप कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट है कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए। अपना हेल्दी डाइट फॉलो करिए। आप जैसे कुकुम्बर है, खीरा है, कुकुम्बर ऐसे सारे जितने भी जूसी जो फल होते हैं, सैलेड होते हैं आप, या फिर खीरा है, टमाटर है, तो इसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में पानी होता है। जब आप इनका सेवन करेंगे तो इससे आपके बॉडी को अच्छा खासा वाटर इंटेक मिलता है, साथ ही ये हेल्दी भी होती है, बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी भी होता है। अगर आप इन घरेलू उपायों को फॉलो करते हैं तो 100% आपके जीभ का जो सूखापन है वो ठीक हो जाएगा। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल लगा। यस, डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।